नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में रोक करेंगे खबरों का। सीमावर्ती गांवों में पलायन रोकने और बेहतर तरीके से आजीविका मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज योजना की शुरुआत की है। इस योजना से पलायन रोकने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को भी मजबूत किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वाइब्रेंट विलेज के लिए उत्तराखंड के 4 गांवों का चयन किया गया है। पिछले दिनों हुए कैबिनेट बैठक में उसकी वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पास कर दिया गया है और इसकी बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा और हमारी सीमावर्ती क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है और उन्होंने कहा है कि सीमांत के लोगों को आगे आने का एक मार्ग प्रशस्त किया है। पूरे देश के लिहाज से ये बहुत बड़ी योजना है। इतने सारे जो गांव, जो पहले गांव जो हमारे हैं, उन सभी गांवों को विकास की दृष्टि से सभी को आगे आने का अवसर मिलेगा। वहां पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का विकास होगा और उत्तराखंड राज्य के भी 4 गांव इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। 4 गांवों को उसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा, हमारे भी सीमांत क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वाइब्रेंट विलेज की योजना को सीधे सीधे धरातल पर उतारने का काम किया है और सीमांत के लोगों को आगे आने का एक राह उनकी मार्ग प्रशस्त किया। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू किए जाने पर सचिवालय में बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं के उज्जवल भविष्य और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारत का सबसे कठोर नकल विरोधी अध्यादेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से उठाया गया यह कदम ऐतिहासिक है, जो ईमानदार, मेहनती और मेधावी युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि पहली बार नकल माफियाओं पर इतनी कठोर कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड राज्य में अगले महीने यानी मार्च में 6 दिन का बजट सत्र प्रस्तावित किया गया है। राज्य कैबिनेट की तरफ से भी इस पर मुहर लगाई जा चुकी है, लेकिन सत्र की तारीख तय होते ही कांग्रेस ने सरकार को फिर गैरसैंण मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए जरा। तो तय हुआ है कि बजट सत्र में गैरसैंण की वीरानगी टूटेगी। जी, क्योंकि राज्य में अगले महीने यानी मार्च में 6 दिन का बजट सत्र होने जा रहा है, यानी हमारे आपके माननीय पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं। बकायदा राज्य कैबिनेट की तरफ से भी इस पर मोहर लगाई जा चुकी है, लेकिन सत्र की तारीख तय होते ही विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने अपनी बाहें चढ़ाते हुए सरकार को फिर गैरसैंण मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। तोहमत तो ये कि अगर गैरसैंण को लेकर मंशा पर शक नहीं, इसकी समय सीमा 6 दिन ही क्यों? क्या 6 दिन में गैरसैंण के रास्ते पहाड़ का विकास हो जाएगा? विपक्ष कह रहा है कि सरकार सिर्फ औपचारिकताओं को पूरा करना चाहती है, उसका गैरसैंण से कोई सरोकार नहीं है। सरकार के लिए गैरसैंण तो गैर है। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद भी वहां से राजधानी एक दिन भी संचालित नहीं हुई, तो ये सरकार का वास्तविक चेहरा जो है आमजन के सामने आ रहा है। हम गैरसैंण के अंदर जो सत्र हो रहा है पूरी तरीके से तैयार है और सरकार को घेरने का था। सर, इस बार पहले तो 2.5 साल बाद सत्र हो रहा है, एक दिन का सत्र नहीं लगाया गया, केवल चुनावी सगुफे के रूप में मैं देखता हूँ। और सत्र चलाने मात्र से वो गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं बनती। 5 महीने 6 महीने वहाँ सरकारी काम कराइए, मुख्यमंत्री वहाँ रहें, मुख्य सचिव वहाँ रहें, विधानसभा अध्यक्ष वहाँ रहें, वहाँ से सरकारी कामकाज हो, अधिकारी वर्ग वहाँ रहे, वहाँ से पहाड़ का काम कराएं, सरकारी काज वहां से हो, तब हम उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी मानते हैं। आप जनता को, लोगों को, आंदोलनकारियों को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं और 6 दिन का सत्र करके आप क्या करना चाह रहे हैं? वैसे गैरसैंण में विधानसभा सत्र आहूत करने को लेकर सरकार पहली बार कटघरे में खड़ी नहीं हुई है। इससे पहले भी कांग्रेस इस तरह के आरोप लगाती रही है, लेकिन इस बार सत्र की समय सीमा पर प्रश्न खड़े कर सरकार की सोच पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वो गैरसैंण पर छिड़े सियासी गदर का हिस्सा बन गए। अपनी सरकार के बचाव में सामने आए बीजेपी नेता कहते हैं कि विधानसभा सत्र कितना लंबा होगा, इस बात का निर्धारण सदन में आने वाले बिजनेस पर आधारित होता है। कांग्रेसी गैरसैंण पर घरेलू आंसू बहाना बंद करें।
के माननीय मुख्यमंत्री जी की पूर्व की घोषणा के अनुरूप बजट सत्र को गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है और सरकार के द्वारा 13 मार्च से लेकर 18 मार्च तक विधानसभा सत्र की तिथि घोषित की गई है। और जिस प्रकार से अगर विपक्ष उसको मानता है कि कम अवधि का रखा गया है तो बिजनेस के हिसाब से ही विधानसभा की सत्र की तिथियां तय की जाती हैं और उसके बीच में कार्य मंत्रणा की बैठकें भी होती रहती हैं और कार्य मंत्रणा की बैठक में अगर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आगे आता है या बिजनेस और होता है तो निश्चित रूप से उसकी अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। इसलिए हमारी सरकार की बिल्कुल साफ मनसा है कि गैरसैंण के विकास के लिए और सरकार ने जो जिस तरह से पूरे उत्तराखंड के जन भावनाओं के अनुरूप बजट बनाने का जो मंतव्य रखा है और जनता से पूछ करके उनकी राय के अनुसार बजट को बनाने की जो कार्रवाई चल रही है उसमें मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर एक ऐतिहासिक बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पारित होगा। गैरसैंण को लेकर भले ही सरकार की ओर से सत्र आहूत कर वाहवाही लूटी जा रही हो लेकिन विपक्ष कभी भी सत्र के दिनों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार जब गैरसैंण के नाम पर सरकार इतने बड़े दावे करती है तो फिर गैरसैंण गैर क्यों होता जा रहा है। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष विनीत प्रसाद भट्ट ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ 21 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। युवा कांग्रेस की दो मांगे हैं, पहली भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच कराई जाए और दूसरी बेरोजगार आंदोलनकारियों पर लगे मुकदमे को सरकार वापस ले। सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षाओं के घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर एवं बेरोजगार युवाओं पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर आगामी 21 फरवरी को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश से युवा कांग्रेस आकर मुख्यमंत्री जो ये युवा विरोधी सरकार है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षाओं के घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर एवं बेरोजगार युवाओं पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग। पूर्व कानून मंत्री और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने विधानसभा के बर्खास्त कर्मियों को समर्थन किया है। स्वामी ने एक ही राज्य में एक ही तरह से लगे कर्मचारियों के साथ अलग अलग भेदभाव होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री स्पीकर को पत्र लिखकर बर्खास्त कर्मियों को दोबारा बहाल करने की मांग की है। स्वामी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपील की है कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर और किसी भी तरह से जो भी संभव हो कर्मचारियों के पक्ष में वो कार्रवाई की जाए। हरिद्वार में दबाई गई दवाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मामले में शासन प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर वार्ड बॉय समेत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसके साथ ही मामले की विभागीय जांच भी अब शुरू कर दी गई है। वहीं राज्य में दवाओं की खरीद खपत की सही जानकारी को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग जांच कर रहा है। देखिए, ये मामला संज्ञान में आया और तत्काल मैंने सीएमओ को और जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर भारती राणा, इन दोनों को फील्ड पे भेजा और जिस स्तर पे कमियां पाई गई और जो जो दोषी थे उनके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई दर्ज कराई गई और डीजी को निर्देशित भी किया है कि इन कर्मचारियों को फिलहाल सस्पेंड। देखिए, ये मामला संज्ञान में आया और तत्काल मैंने सीएमओ को और जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर भारती राणा, इन दोनों को फील्ड पे भेजा और जिस स्तर पे कमियां पाई गई और जो जो दोषी थे उनके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई दर्ज कराई गई और डीजी को निर्देशित भी किया है कि इन कर्मचारियों को फिलहाल सस्पेंड। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत देहरादून के मैक्स अस्पताल पहुंचे और अपना चेकअप करवाया। हरीश रावत ने अपने हृदय रोग से संबंधित परेशानी को लेकर मैक्स अस्पताल में भर्ती हुए जिसकी जानकारी मैक्स अस्पताल प्रशासन ने दी है। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर हर साल करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं।
राज्य सरकार हर की पैड़ी को श्रद्धालुओं के लिए और सुविधाजनक और सुगम बनाने के लिए काम कर रही है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर हर की पैड़ी के विस्तारीकरण और सौंदर्यकरण की योजना पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी देते हुए बताया है कि हर की पैड़ी को श्रद्धालुओं के लिए और सुगम और बेहतर बनाने की तरफ काम किया जा रहा है और जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने काशी कॉरिडोर बनाया और दिव्य काशी और भव्य काशी आज एक नया स्वरूप ले चुका है, जहां पर भगवान बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में जाने का एक छोटा सा सकरा सा रास्ता होता था, आज वो पूरा हाईवे का रूप ले चुका है। कोई शिव भक्त गंगा जी का जल लेकर महादेव जी को चढ़ाना चाहता था तो चढ़ा नहीं पाता था, वह भी अब रास्ता सीधे ही प्रशस्त हो गया है। उसी प्रकार से महाकाल लोक बनकर देश की जनता को समर्पित हो चुका है, क्योंकि माँ गंगा का तट हरिद्वार यह भी जो है एक हमारा मैं कहूँ कि विश्वव्यापी स्थान है, इसका भी एक कॉरिडोर बनना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने कल कैबिनेट से इसका प्रस्ताव पारित किया है कि निकट भविष्य में हमको उसी तर्ज पर गंगा जी का ये तट, ये धर्म नगरी और मैं कहूँ माया नगरी हरिद्वार भी उसी तर्ज पर विकसित हो, उसके लिए हम लोग आगे प्रयास करें। देहरादून में कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकालकर बीजेपी सरकार का विरोध दर्ज किया है। बता दें कि परीक्षाओं में हुई धांधली, बेरोजगार युवाओं का उत्पीड़न और अब तक सीबीआई जांच की न होने को लेकर यह मशाल जुलूस निकाला गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा है कि पार्टी जनहित के मुद्दों को सदैव उठाने का काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई कांग्रेस नेताओं की तरफ से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से, और इस मशाल जुलूस में आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज़ को विपक्ष हमेशा से उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। जिस तरीके से पैरवी करने के लिए बड़े बड़े ऑफिसर आ रहे थे, ये हमारे लिए चिंता का विषय, ऐसा हमने आज तक नहीं देखा। जिस तरीके का कोर्ट में आज नज़ारा था, जिस स्तर के अधिकारी वहाँ थे, ऐसा किसी संगीन अपराधी के लिए भी कोई नहीं आता है। इस तरीके की स्थिति थी और इस लड़ाई को हम गाँव तक लेके जाएंगे। अभी हमने शिवरात्रि के दिन भोले बाबा के यहाँ जलाभिषेक करने का निर्णय लिया है। सारे कार्यकर्ता अपने अपने इलाकों में जलाभिषेक करके इनकी बुद्धि शुद्धि की भी मांग करेंगे और भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि जो सरकार सीबीआई जांच से बच रही है, इनको सीबीआई जांच करानी पड़े, अंकिता मर्डर केस में वीआईपी का नाम सामने आ सके और भर्ती घोटालों में उस सफेदपोश का नाम सामने आ सके जिसका नाम लिए बिना इशारों में एस राजू ने ये कहा था अध्यक्ष जी ने इस्तीफा देते समय कि कोई सफेदपोश नेता मुझे जांच से रोक रहे हैं इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो उस सफेदपोश नेता तक ये जांच जाए, ऐसा हमारी इच्छा है। क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार इसलिए सीबीआई जांच नहीं करने देना चाहती कि हाकम सिंह या इनके मंडल अध्यक्ष या इनके जो कार्यकर्ता पकड़े गए हैं, कहीं वो अपने आका का या अपने को संरक्षण देने वाले सफेदपोश नेता का नाम सीबीआई के सामने या हाईकोर्ट। आगामी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की स्थिति के संबंध में होने वाले 2022-23 सर्वे के लिए एकल समर्पण आयोग का गठन किया गया है। उसी के तहत गुरुवार को डोईवाला नगर पालिका परिसर में पालिका के सभी 20 वार्डों के बीएलओ और आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं के साथ नगर पालिका और तहसील प्रशासन ने बैठक की और सभी बीएलओ को प्रशिक्षण देकर बताया कि कैसे सभी बीएलओ को घर घर जाकर ओबीसी की गणना करनी है। नगर पालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायतों में ओबीसी आरक्षण की स्थिति क्या रहेगी, इसके संबंध में शासन द्वारा एकल समर्पित आयोग का गठन किया गया है और एकल समर्पित आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए उसी के तहत नगर पालिका परिसर डोईवाला में कितने ओबीसी लोग हैं उसी के संबंध में एक बृहद सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है नगर पालिकाओं। खबर चमोली से है, जहां पर हेमकुंड साहिब ने ओढ़ी बर्फ की चादर। हेमकुंड में 3 से 5 फीट तक बर्फ जमी है। घंघरिया बर्फ से लबालब हुआ है। घंघरिया में 2 से 2.5 फीट बर्फ जमी है।
और कोरोना काल के बाद आज पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भौतिक रूप से 84वीं दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को डॉक्टरेट ऑफ साइंस की मानद उपाधि से नवाजा गया। दीक्षांत समारोह में 2503 छात्र और छात्राओं की उपाधि दी गई है और इस दौरान 5000 लोग इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। इस दौरान महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, कृषि मंत्री गणेश जोशी सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। उधर बुधवार देर रात गुलदार ने एक बाइक सवार युवक पर हमला कर दिया है, जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसके बाद युवक को इलाज के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक शख्स बाइक से वनखेड़ा से दवाई लेकर अपने भाई के साथ वापस अपने घर ज्वालावन लौट रहा था और इसी दौरान रास्ते में गुलदार ने युवक पर हमला कर दिया। गुलदार के हमले से युवक की टांग लहूलुहान हो गई है। वहीं दोनों भाइयों ने शोर मचाया तो गुलदार जंगल की तरफ भाग गया और जिसके बाद दोनों भाई अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज जारी है। वन में हमारा एक वन निगम को हमारी लॉट दी हुई है, लॉट में काम चल रहा था तो वहीं पे कुछ लेबर थे, कुछ आदमी थे जो कि लॉट में काम कर रहे थे, उन्हीं के ऊपर हमला किया है। उसके बाद हमला करके वो भाग गया, एकदम वहां पर रुका नहीं है। तो देखते हैं, बाकी उन लोगों को अलर्ट कर दिया गया कि भाई गुलदार के एकदम सामने न जाएं और अगर कहीं कोई दिखता तो इस तरह से ग्रुप में रहें, ऐसा ना हो कि दोबारा कोई घटना हो। वो तो आमने सामना, अचानक आमना सामना हो गया, इसकी वजह से ऐसा लगा कि उसने अपने आत्मरक्षा में अटैक किया, उसमें कोई ऐसा इस तरीके का नहीं था मैटर की। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।